नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका राहुल। एक बार फिर स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल राहुल एक्सट्रामो में। दोस्तों, मैं आया हूं नैनीताल और इस वक्त नैनीताल के नैनी लेक में बोट का लुत्फ ले रहा हूं। तो दोस्तों, मैं अपने आज के इस ब्लॉग में आपको पूरा नैनीताल के बारे में बताऊंगा, नैनीताल कैसे आया जाए, नैनीताल में कहाँ रुके। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपने नैनीताल के इस ब्लॉग को। दोस्तों, मेरी इस नैनीताल की यात्रा में मेरे साथ मेरी वाइफ हर्षा जी भी है, उनसे भी मैं आपको मिलवाता हूँ। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं उत्तराखंड के कुमाऊं रीजन के एक बहुत ही सुंदर हिल स्टेशन नैनीताल की अपनी यात्रा की। दोस्तों, ग्वालियर से नैनीताल के सफर के लिए हमें दो ट्रेनें बदलनी पड़ी। सबसे पहले हम ग्वालियर से पातालकोट एक्सप्रेस ट्रेन से दिल्ली सफदरगंज स्टेशन पहुंचे। पातालकोट एक्सप्रेस ग्वालियर से रात में 10:10 पर चलती है तथा दिल्ली सफदरगंज सुबह 3:30 पहुँचा देती है। फिर दिल्ली सफदरगंज स्टेशन से हम कैब द्वारा नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंचे। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से प्रतिदिन सुबह 6:00 नई दिल्ली काठगोदाम शताब्दी एक्सप्रेस चलती है। नई दिल्ली काठगोदाम शताब्दी एक्सप्रेस से हम 11:30 काठगोदाम पहुंचे। दोस्तों, सामने आप नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का एंट्रेंस हॉल देख रहे हैं। दोस्तों, हमारी ट्रेन शताब्दी एक्सप्रेस नई दिल्ली से 6:20 पर थी और हम नई दिल्ली रेलवे स्टेशन सुबह 3:30 ही पहुंच गए थे। तो दोस्तों, अब हमें न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पर लगभग 2 से 2.5 घंटे अपनी ट्रेन के लिए वेट करना था। तो दोस्तों, न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पर रुकने के लिए अपर क्लास वेटिंग लाउंज है जिसमें आप रुक सकते हैं, जिसके चार्जेस प्रति सवारी प्रति घंटा 10 रुपये है। दोस्तों, इस लाउंज में काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ हैं, आपको इसमें साफ सुथरे टॉयलेट्स बाथरूम मिलेंगे, पूरा लाउंज वातानुकूलित है, लाउंज के अंदर ही कैंटीन है। चलिए दोस्तों, अब हमारी ट्रेन का टाइम हो गया, अब हम वेटिंग लाउंज से प्लेटफॉर्म नंबर 7 की तरफ चलते हैं। दोस्तों, सुबह 6:20 पर चलने वाली न्यू दिल्ली काठगोदाम शताब्दी एक्सप्रेस गाजियाबाद जंक्शन, मुरादाबाद जंक्शन, रामपुर जंक्शन, रुद्रपुर जंक्शन, लालकुआ जंक्शन, हल्द्वानी जंक्शन होते हुए सुबह 11:40 पर काठगोदाम पहुंचती है। दोस्तों, हम अपनी नैनीताल की यात्रा के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थे क्योंकि कोरोना की दूसरी लहर के बाद ये हमारी पहली यात्रा थी। दोस्तों, ट्रेन से सफ़र करने का एक अपना ही अलग मज़ा है। दोस्तों, हल्द्वानी आते ही आपको नैनीताल की सुंदर सुंदर वादियों के नज़ारे दिखने लगते हैं। दोस्तों, हम नई दिल्ली काठगोदाम शताब्दी एक्सप्रेस से सुबह 11:30 काठगोदाम स्टेशन पहुंच चुके हैं। काठगोदाम भारत के उत्तराखंड राज्य के नैनीताल जिले में एक नगर है। दोस्तों, काठगोदाम उत्तर भारत का प्रमुख अंतिम रेलवे टर्मिनल है जहां से विभिन्न शहरों के लिए ट्रेनें चलती हैं। दोस्तों, बात करते हैं नैनीताल कैसे पहुंचे। दोस्तों, अगर आप ट्रेन द्वारा नैनीताल पहुंचना चाहते हैं
तो नैनीताल से जो सबसे निकटतम रेलवे स्टेशन है वह है काठगोदाम रेलवे स्टेशन। दोस्तों काठगोदाम रेलवे स्टेशन से नैनीताल की दूरी लगभग 36 किलोमीटर है, जहां आप आसानी से टैक्सी बस द्वारा नैनीताल पहुंच सकते हैं। दोस्तों बाय एयर नैनीताल पहुंचने के लिए जो सबसे निकटतम एयरपोर्ट है वह है पंतनगर एयरपोर्ट, जो कि नैनीताल से लगभग 68 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। दोस्तों बाय रोड नैनीताल पहुंचने के लिए नैनीताल नेशनल हाईवे 109 से जुड़ा हुआ है। हल्द्वानी, दिल्ली, आगरा, देहरादून, हरिद्वार, लखनऊ आदि प्रमुख शहरों से नियमित रूप से नैनीताल के लिए रोडवेज की बसें चलती हैं। दोस्तों बाय एयर, बाय ट्रेन तथा बाय रोड जो भी माध्यम आपके लिए सुविधाजनक हो उससे आप नैनीताल पहुंच सकते हैं। दोस्तों नैनीताल रेलवे स्टेशन से बाहर निकलते ही कई सारे टैक्सी वाले खड़े होते हैं। तो दोस्तों काठगोदाम रेलवे स्टेशन से अगर आप शेयरिंग में जाना चाहते हैं तो प्रति सवारी 150 रुपये किराया पड़ता है, तथा अगर आप पर्सनल बुक करके जाना चाहते हैं तो छोटी गाड़ी जैसे ऑल्टो वैगनार का 500 रुपये किराया पड़ता है। वहाँ टैक्सी वाले आपको पर्सनल ले जाने के लिए 700 से 800 रुपये किराया बताते हैं, लेकिन आप अगर थोड़ी बार्गेनिंग करेंगे तो 500 रुपये में हर कोई नैनीताल ले चलने के लिए तैयार हो जाता है। दोस्तों काठगोदाम से नैनीताल जाने के लिए रोडवेज की बसेस चलती हैं, तो आप बस के द्वारा भी नैनीताल पहुंच सकते हैं। अगर आप अकेले हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप काठगोदाम रेलवे स्टेशन से शेयरिंग टैक्सी में नैनीताल पहुंच सकते हैं। दोस्तों हम काठगोदाम से नैनीताल लगभग 1.5 घंटे में पहुंच गए थे, जहां रास्ते में ड्राइवर ने एक जगह ढाबे पर कुछ समय के लिए खाने पीने के लिए गाड़ी रोकी थी। दोस्तों अब बात करते हैं नैनीताल में कहां रोका जाए। दोस्तों नैनीताल की प्रसिद्ध लेक नैनी लेक तल्ली ताल से मल्ली ताल के बीच स्थित है, और तल्ली ताल से मल्ली ताल के बीच ही नैनीताल का फेमस मॉल रोड भी स्थित है। तो दोस्तों आप मॉल रोड पर तल्ली ताल पर मल्ली ताल पर होटल ले सकते हैं, जहां से आपको नैनी लेक का सुंदर व्यू दिखेगा। दोस्तों अगर आप सीजन में नैनीताल जाते हैं तो यहां होटल के चार्जेस 3000 रुपये से शुरू होते हैं, और वही होटल के चार्जेस ऑफ सीजन में, जैसा कि हम बरसात के समय सितंबर में गए थे, ऑफ सीजन में आपको 3500 रुपये वाला रूम 1000 से 1500 के बीच आसानी से मिल जाता है। तो मैं आया हूँ नैनीताल, और इस वक्त नैनीताल के नैनी लेक में बोट का लुत्फ ले रहा हूँ। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अपने नैनीताल के ब्लॉग को। दोस्तों मेरी नैनीताल के नैनी लेक में जिस बोट में हूँ उनके बोट चालक कुंदन जी, जो कि मेरे पीछे हैं, ये बता रहे हैं कि यहाँ पे 222 फुल बोट हैं, नाव हैं, उससे ज़्यादा बोट यहाँ नहीं चल सकते हैं। और यहाँ के सुंदर नज़ारे मैं आपको कुंदन जी से भी मिलवाता हूँ। हेलो बोल दिया उन्होंने। दोस्तों अगर आप नैनीताल आते हैं तो नैनीताल में सबसे सुंदर जगह मुझे नैनी झील लगी। झील से पहाड़ों के सुंदर नज़ारे दिखते हैं, तथा झील के पानी में आसपास के पहाड़ों का प्रतिबिंब दिखाई देता है। दोस्तों नैनीताल का मुख्य आकर्षण यहाँ की नैनी झील है। स्कंद पुराण में इसे त्रिशि सरोवर भी कहा गया है। दोस्तों नैनी झील के बारे में ऐसा कहा जाता है, जब अत्रि, पुलस्त्य और पुलह ऋषि को नैनीताल में कहीं पानी नहीं मिला तो उन्होंने एक गड्ढा खोदा और मानसरोवर झील से पानी लाकर उसमें भरा। दोस्तों जो भी नैनीताल आता है तो वो नैनीताल के इस सुंदर नैनी लेक में नौकायन का, बोटिंग का आनंद लेता है। जैसा कि मेरे नौका चालक, मेरे नाव चालक ने मुझे बताया
कि यहाँ पर कुल 222 बोट हैं, इससे ज़्यादा बोट यहाँ नहीं चल सकती हैं और सभी बोट चालकों के अपने अपने क्षेत्र बटे हुए हैं। दोस्तों झील के पानी में आसपास के पहाड़ों का प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है। रात के समय जब चारों ओर बल्बों की रोशनी होती है तब तो इसकी सुंदरता और भी बढ़ जाती है। आगे मैं आपको रात का नज़ारा भी दिखाऊंगा नैनी झील का। दोस्तों इस झील के उत्तरी किनारे को मल्लीताल और दक्षिणी किनारे को तल्लीताल कहते हैं। मल्लीताल से तल्लीताल की दूरी लगभग 2 से 2.5 किलोमीटर है। नैनी झील के एक किनारे से यहाँ का मुख्य मार्केट मॉल रोड है, जहाँ कई सारी दुकानें हैं तथा बहुत भीड़भाड़ रहती है। नैनी झील के किनारे से लगे मॉल रोड पर आपको रेंट पर बाइक, स्कूटर, साइकिल आसानी से मिल जाती है तथा मॉल रोड पर ही आपको मल्लीताल से तल्लीताल के बीच कई सारे होटल मिल जाएंगे। दोस्तों नैनी झील के पास एक पुल है जहां गांधी जी की प्रतिमा और पोस्ट ऑफिस है। यह विश्व का एकमात्र पुल है जहां पोस्ट ऑफिस है। इसी पुल पर बस स्टैंड, टैक्सी स्टैंड और रेलवे आरक्षण काउंटर भी है। दोस्तों अगले दिन सुबह सुबह ही नैनीताल में तेज बारिश होने लगी, जिससे मौसम और ज़्यादा सुहाना हो गया। दोस्तों अगर आप नैनीताल बरसात के समय आते हैं तो आपको बादलों के सुंदर नज़ारे दिखते हैं। दोस्तों नैनीताल की जो सबसे अच्छी चीज़ मुझे लगी वो है नैनीताल का मौसम। दोस्तों नैनीताल का मौसम इतना रोमांटिक है, इतना खुशनुमा है, इतना लाजवाब है कि आपको नैनीताल से प्यार हो जाएगा। दोस्तों यहाँ के मौसम में सडन चेंजेस होते हैं, जैसे कि बारिश हो रही है तो उसके कुछ समय बाद ही धूप निकल आएगी। दोस्तों मैंने अपना होटल नैनी लेक के सामने तल्लीताल पर लिया था, जहाँ से नैनी लेक के बहुत ही सुंदर नज़ारे देखते हैं। तो दोस्तों अगले दिन हम लोग तैयार होकर सुबह का नाश्ता कर नैनीताल तथा नैनीताल के आसपास के नैनीताल टूर के दर्शन पर निकले। तो दोस्तों हमने नैनीताल घूमने के लिए पूरे दिन के लिए टैक्सी बुक कर ली थी, जिसका किराया 2000 रुपये था, जो हमें नैनीताल तथा नैनीताल के आसपास के प्लेसेस विजिट कराएगी। दोस्तों नैनीताल में कन्वेंस के साधन बहुत अच्छे हैं, आपको टैक्सी के अलावा रेंट पर स्कूटी, रेंट पर बाइक, रेंट पर साइकिल मिल जाएगी। दोस्तों नैनीताल में कन्वेंस की, खाने पीने की तथा होटल की बहुत ही अच्छी सुविधाएं अवेलेबल है। तो दोस्तों दूसरे दिन सबसे पहले हम नैनीताल के प्रसिद्ध नेचुरल इको केव गार्डन घूमने गए। नमस्कार दोस्तों, अब मैं नैनीताल में नेचुरल इको केव, नेचुरल इको पार्क आया हुआ हूँ। यहाँ दोस्तों 6 गुफाएं हैं जिनके अलग अलग नाम दे रखे हैं और एक के बाद एक गुफा थोड़ी मुश्किल होती चली आती है। तो चलिए दोस्तों अब मैं आपको नैनीताल के नेचुरल इको केव लेकर चलता हूँ। दोस्तों सामने आप इको केव पार्क के टिकट विंडो देख रहे हैं, जहां से टिकट लेने के बाद ही आपको अंदर एंट्री मिलेगी। इको केव पार्क में एंट्री के लिए प्रति वयस्क टिकट 100 रुपये है तथा बच्चों का टिकट 60 रुपये है। दोस्तों इको केव पार्क आप कैसे पहुंचेंगे इसकी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगी। दोस्तों इको गुफा गार्डन
परस्पर जमीन के भीतर आपस में जुड़ी गुफाओं और बागों का एक समूह है। दोस्तों, अगर आपको एडवेंचर पसंद है, साहसिक कार्य पसंद है, तो आप इस जगह पर जरूर आएं। मुझे तो बड़ा रोमांचक और साहसिक लगा इन गुफाओं के दर्शन करके। दोस्तों, साहसिक के साथ साथ थोड़ा मेरे अंदर डर भी था, क्योंकि उस समय गुफाओं के अंदर केवल मैं अकेला ही था। मैं काफ़ी जल्दी सुबह सुबह पहुंच गया था इको केव गार्डन देखने, इसलिए ज़्यादा पर्यटक नहीं थे उस समय। इस गार्डन में 6 भूमिगत गुफाएं हैं जो सुरंगों के माध्यम से जुड़ी हुई हैं, जो कि विभिन्न जंगली जानवरों के नाम पर आधारित हैं। इन गुफाओं के नाम इस प्रकार से हैं: टाइगर गुफा, पैंथर गुफा, चमगादड़ गुफा, गिलहरी गुफा, फॉक्स गुफा और एपेक्स गुफा। चलिए दोस्तों, अब हम पहली गुफा की तरफ चलते हैं, टाइगर केव, पैंथर केव। तो चलिए दोस्तों, अब हम टाइगर केव की तरफ चलते हैं। तो अब हम पैंथर केव में चलते हैं। Oh my God. चलिए दोस्तों, अब हम फ्लाइंग फॉक्स केव चलते हैं। बहुत एडवेंचर जगह है दोस्तों ये, और ये सारी केव जो है नेचुरल केव है।
ये एक और एपिस केव का बोर्ड लगा हुआ है, तो अब हम एपिस केव चलते हैं। Porcupine cave. चलिए दोस्तों, अब हम इस इको केव गार्डन से बाहर निकलते हैं। दोस्तों बरसात के टाइम यहाँ पहाड़ों से पानी गिरता है तो काफ़ी फिसलन रहती है, तो आप बड़े संभल कर जाएँ इन गुफाओं के अंदर। और ये गुफाएं बहुत सुंदर हैं, बिल्कुल नेचुरल गुफाएं हैं। चलिए दोस्तों अब हम बाहर चलते हैं और इन गुफाओं के बाहर आपको कैंटीन भी मिलेगी, बच्चों के खेलने के लिए कुछ झूले भी हैं। तो दोस्तों मेरा नैनीताल ब्लॉग का पार्ट वन यही खत्म होता है। अगले पार्ट में मैं आपको भीमताल, नौकुचिया ताल, हनुमानगढ़ी तथा नैनी टेंपल के दर्शन कराऊंगा। धन्यवाद दोस्तों।